Hey, welcome YouTube. I'm Aniket and you are watching Vet Study. So today we will discuss about the different type of parasite and different type of host. So this is important to learn about different life cycles because जैसे हम आगे देखेंगे हम देखेंगे different parasite different category के अंदर आते हैं और वो different type के host पर depend करते हैं. So let's start with the definition. So first one is the ectoparasite. So ectoparasite are those parasite which basically live on the body surface or in the skin. तो या तो ये हमारे body surface पर रहेंगे, ठीक है, या फिर ये हमारे किस पर रहेंगे, स्किन में रहेंगे, ठीक है, इनसाइड द स्किन. तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट बोलेंगे. एंड द टर्म यूज्ड फॉर दिस पैरासिटिज्म इज इन्फेस्टेशन. इन्फेस्टेशन, राइट. सो द टर्म जो यहाँ पर यूज होगी दैट इज इन्फेस्टेशन. एंड अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ बिकॉज एग्जांपल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी डेफिनेशन. सो एग्जांपल यहाँ पर हमारे आते हैं आर्थ्रोपोड्स. आर्थ्रोपोड्स लाइक टिक, flies, mite, so these all are ectoparasites because ये हमारे surface पे रहते हैं या फिर skin के अंदर रहते हैं. Next we have the endoparasite. So just opposite to the ectoparasite, endoparasites are those parasites which basically live within the body, right? So वो बाहर रह रहे थे और ये कहाँ रहेंगे, within the body रहेंगे. That is the major difference. And यहाँ पर हम जो term use कर रहे थे वो कर रहे थे infestation, parasitism को, और यहाँ पर जो हम term use करेंगे वो use करेंगे infection. राइट. तो यहाँ पर हम टर्म यूज़ करेंगे इन्फेक्शन. अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल आ जाते हैं जो मोस्ट हेलमिंथ्स, हेलमिंथ्स और प्रोटोजोआ. सो दे आर एंडोपैरासाइट. आफ्टर दिस वी हैव ऑब्लिगेटरी पैरासाइट. ऑब्लिगेटरी पैरासाइट आर दोज पैरासाइट विच स्पेंड एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल इन द होस्ट. मतलब कि हमारे ऑब्लिगेट का मतलब ही हमारा क्या होता है, कंपलसरी. तो वो पैरासाइट जो कुछ अपनी लाइफ का टाइम होस्ट के अंदर या फिर उसके ऊपर, मतलब एक्टो या एंडो कहीं पर भी वो स्पेंड करें, दोज आर नोन एज द ऑब्लिगेट पैरासाइट, राइट. और ये इनका जो खासियत है वो ये है कि ये दे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पैरासिटिक लाइफ. ठीक है, पैरासिटिक लाइफ के बिना ये नहीं रह सकते, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, क्योंकि कंपलसरी है इनके लिए पैरासिटिज्म, राइट. और इसके अंदर बहुत अच्छा एग्जांपल हमारा आता है एस्कैरिस स्विम. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट. एस्कैरिस स्विम इज द पैरासाइट ऑफ पिग एंड इट द अडल्ट इज लिव इन द pig, right? So that is the obligate parasite. Next we have the facultative parasite. Facultative parasite are those parasite which normally free living ye hamare hote hain. Facultative ka matlab hai ki kabhi kabhi unke andar wo cheeze parasitic life cycle ko wo follow karte hain, normally wo parasitic nahi hote. To normally hamare kya honge free living honge, right? But ye parasitic kab ho jayenge, jab bhi hamari adverse condition ya fir inhe opportunity milegi, tab ye hamara opportunity pe kaise ho jayenge, पैरासिटिक हो जाएंगे. सो दोज आर फैकल्टेटिव पैरासाइट. और इसके अंदर हमारा जो अच्छा एग्जांपल है दैट इज स्ट्रोंगलॉइड्स. सो स्ट्रोंगलॉइड्स आर द एग्जांपल ऑफ फैकल्टेटिव पैरासाइट. आफ्टर दिस वी हैव एक्सीडेंटल या फिर इंसिडेंटल पैरासाइट. एक्सीडेंटल बाय द नेम डिफाइन, एक्सीडेंटल मीन्स बाय चांस. सो वो पैरासाइट जो कि अनयूजुअल होस्ट के अंदर आ जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल पैरासाइट बोलते हैं. मतलब कि जिस होस्ट के अंदर वो पैरासाइट आया है वो उसका नॉर्मल होस्ट नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो एक पैरासाइट है दैट इज सिटेरिया डिजिटाटा. सो सिटेरिया डिजिटाटा इज द पैरासाइट ऑफ कैटल. सो कैटल क्या है, इसका यूजुअल होस्ट है, बट कभी कभी ये सिटेरिया डिजिटाटा कैन ऑल्सो इन्फेक्ट शीप एंड गोट. सो जब ये शीप एंड गोट को इन्फेक्ट करेगा देन वी विल कॉल इट एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल पैरासाइट. ओके, और कैटल इसका क्या है, यूजुअल होस्ट है. नेक्स्ट वी हैव एबेरेंट पैरासाइट. सो एबेरेंट पैरासाइट के अंदर यहाँ पर तो हमने क्या देखा था, अनयूजुअल होस्ट देखा था. यहाँ पर हमारा क्या होगा, यूजुअल होस्ट होगा बट उस यूजुअल होस्ट के अंदर अनयूजुअल क्या होगा, साइट होगी. ठीक है, यूजुअल होस्ट के अंदर अनयूजुअल साइट होगी. व्हाट डू वी मीन बाय दिस, कि जो पैरासाइट है वो कुछ ऐसी साइट पर पहुंच जाएगा जो उसके लिए नॉर्मल नहीं है, वहां पर उसका माइग्रेशन हो जाएगा जहां पर वो नहीं रह सकता. फॉर एग्जांपल अगर मैं बताता हूं इसमें, जैसे आप आगे पढ़ेंगे फेशियोला. ठीक है, तो फेशियोला हमारा क्या है, लिवर फ्लूक, इसे हम बोलते हैं फेशियोला को. सो इसका जो यूजुअल साइट है फेशियोला की वो क्या है, लिवर है, राइट. बट इट कैन ऑल्सो गो टू लंग्स, और अगर ये लिवर को कर रहा है तो नॉर्मल पैरासाइट ही है. नेक्स्ट वी हैव टेम्पररी पैरासाइट. टेम्पररी पैरासाइट आर दोज पैरासाइट विच बेसिकली लिव ऑन इट्स होस्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड. ठीक है, तो ये हमारे बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए
हमारे उन अपने होस्ट पर रहते हैं। अब इसके अंदर हमारा क्या आ सकते हैं, इसके अंदर हमारा एग्जाम्पल में मॉस्किटोज आ सकते हैं, ठीक है। मॉस्किटोज हमारे बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ये विजिट करते हैं अपने होस्ट को और वहाँ से ये हमारा ब्लड सक कर लेते हैं। मॉस्किटोज आ सकते हैं, इसके अलावा सैंड फ्लाइज आ सकती हैं एंड हॉर्स फ्लाइज आ सकती हैं। सो ये सारे हमारे क्या हैं, टेम्प्रेरी पैरासाइट हैं। नेक्स्ट वी हैव परमानेंट पैरासाइट। तो जस्ट अपोजिट टू द टेम्प्रेरी पैरासाइट, दीज परमानेंट पैरासाइट विच बेसिकली लिव देयर एंटायर लाइफ, एंटायर एंटायर या फिर मैक्सिमम लाइफ। मैक्सिमम लाइफ हमारा पार्ट का लाइफ का कहाँ स्पेंड करेंगे, होस्ट के अंदर स्पेंड करेंगे। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल मैं दूँ तो टेप वॉर्म, टेप वॉर्म में हमारा क्या आ गया, डाई पाइलीडियम, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ राउंड वॉर्म की, सो इन राउंड वॉर्म वी हैव लाइक ट्राइचिनेला, ट्राइचिनेला एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स लाइक डेमोडेक्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट पैरासाइट। नेक्स्ट वी हैव द स्टेनोक्सिनस पैरासाइट। सो स्टेनोक्सिनस पैरासाइट आर दोज विच हैव वेरी नैरो होस्ट रेंज, नैरो। सो वट इज नैरो होस्ट रेंज, हर एक पैरासाइट की एक होस्ट रेंज होती है कि वो सिर्फ इतने होस्ट को अफेक्ट कर सकता है, इतने होस्ट को अफेक्ट कर सकता है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो स्टेनोक्सिनस पैरासाइट वो होते हैं जिनकी होस्ट रेंज बहुत ही नैरो होती है, नैरो होस्ट रेंज। अब नैरो होस्ट रेंज है तो बहुत कम ही होस्ट इसके होंगे, ठीक है। तो हम इन्हें अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं, होस्ट स्पेसिफिक बोल सकते हैं, ठीक है, कि इनके कुछ ही हमारे होस्ट होते हैं। अब जैसे कि इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है आइमेरिया। सो आइमेरिया टिनेला, आइमेरिया टिनेला इज प्रेजेंट इन द पोल्ट्री, सो इसका बहुत नैरो होस्ट रेंज है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव एस्कैरिस सुन विच इज प्रेजेंट इन पिग। सो ये इसके, ये किसके एग्जांपल हैं, स्टेनोक्सिनस पैरासाइट के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट वी हैव द यूरिक्सिनस पैरासाइट। यूरिक्सिनस पैरासाइट आर दोज पैरासाइट विच हैव वाइड होस्ट रेंज, वाइड होस्ट रेंज। सो यूरिक्सिनस पैरासाइट इज जस्ट अपोजिट टू द स्टेनोक्सिनस पैरासाइट। सो यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो वो है हमारा फेशियोला हेपैटिका। सो फेशियोला हेपैटिका का हमारा जो होस्ट रेंज है वो क्या, कौन कौन हो सकता है, रुमिनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, हॉर्स हो सकते हैं, इसके अलावा डॉग हो सकता है, पिग हो सकता है एंड मैन हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो हमारा सिर्फ एक ही होस्ट था, बट यहाँ पर हमारे कितने सारे होस्ट हैं, दैट इज़ यूरिक्सिनस पैरासाइट। इसके अलावा ट्रिपैनोसोमा इवांसाई विच कैन बी फाउंड इन हॉर्स, कैमल, डॉग एंड रुमिनेंट इज द अदर एग्जाम्पल ऑफ यूरिक्सिनस पैरासाइट। नेक्स्ट वी हैव द मोनोक्सिनस पैरासाइट। सो मोनोक्सिनस पैरासाइट आर दोज पैरासाइट विच हैव डायरेक्ट लाइफ साइकिल। सो दिस पैरासाइट हैव डायरेक्ट लाइफ साइकिल। So what do we mean by direct life cycle? It means there is no involvement of any intermediate host. Okay, so we will discuss about the intermediate host. You just remember here that they have direct life cycle and only one host is required. Sirf ek hi host ki hamari yahan par requirement hoti hai monoxenous parasite ke andar. And the example of monoxenous parasite are Toxocara and Haemonchus. We will discuss this in detail. नेक्स्ट वी हैव द हेट्रोक्सिनस पैरासाइट। सो हेट्रोक्सिनस पैरासाइट इज जस्ट अपोजिट टू द मोनोक्सिनस पैरासाइट। यहाँ पर हमारा डायरेक्ट लाइफ साइकिल था, ऐसे ही हेट्रोक्सिनस पैरासाइट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। सो इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल मतलब यहाँ पर हमारा मोर देन वन होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, मोर देन वन होस्ट की यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पर हमारे दो की भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो जितने भी हमारे डायजेनेटिक फ्लूक हैं उन सभी के अंदर हमारा ये हेट्रोक्सिनस पैरासाइट होता है। मोस्ट टेपवॉर्म, स्पाइरो नेमेटोड, ये सभी हमारे हेट्रोक्सिनस पैरासाइट हैं। अभी मैं जब लाइफ साइकिल हम देखेंगे इनकी तब आपको समझ में आएगा कि मोनोक्सिनस क्यों है और हेट्रोक्सिनस क्यों है। नेक्स्ट वी हैव द ऑटो हेट्रोक्सिनस पैरासाइट। सो ऑटो हेट्रोक्सिनस पैरासाइट आर दोज पैरासाइट विच एक्ट एज बोथ डेफिनेटिव एंड इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। डेफिनेटिव होस्ट की तरह भी एक्ट करते हैं और इंटरमीडिएट होस्ट की तरह भी एक्ट करते हैं। बेसिकली डेफिनेटिव होस्ट वो होता है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पैरासाइट का, और इंटरमीडिएट होस्ट वो होता है जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ऑटो हेट्रोक्सिनस ऐसे हैं जिनके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है, और ये अपने आप को रीइन्फेक्ट करते हैं बाय द ऑटो इन्फेक्शन, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको सिर्फ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखनी है, इनकी एक्चुअल टर्म्स जब समझ में आएगी जब हम एक स्पेसिफिक पैरासाइट को पढ़ेंगे कि वो एक्चुअल में ऑटो हेट्रोक्सिनस, हेट्रोक्सिनस, मोनोक्सिनस क्यों है। यहाँ पर आपको चीज़ें सिर्फ याद रखनी है कि ऑटो हेट्रोक्सिनस पैरासाइट आर दोज पैरासाइट विच एक्ट एज डेफिनेटिव एज वेल एज इंटरमीडिएट होस्ट ड्यू टू द रीइन्फेक्शन और द ऑटो इन्फेक्शन। अब इसके में अंदर हमारा एग्जाम्पल आता है, दैट इज द ट्राइचिनेला
spiralis. So trichinella spiralis parasite where pig act as both definitive and intermediate host. यहाँ पर pig हमारा किसकी तरह काम करेगा? Definitive host की तरह भी काम करेगा और intermediate host की तरह भी यहाँ पर काम करेगा. Next we have the histozoic parasite. So histozoic parasite word histo से ही आपको समझ में आ रहा होगा. It is something related to the tissue or the organ, right? So these are those parasites which are present in the tissue or organ. And so यहाँ पर हमारे ये कहाँ present होंगे? इस tissue या organ के अंदर ही हमारे present होंगे. और इसका example हमारा क्या आ जाते हैं? इसके अंदर we have the sarcocystis and toxoplasma. So इसके अंदर हमारा example आ जाता है sarcocystis and toxoplasma. Next we have the coelozoic. So coelom का हमें मतलब पता है, that is body cavity, right? Coelom का मतलब क्या है? Body cavity. So those parasites which are present inside the body cavity are known as the coelomic parasite. So ये अब जैसे body cavity क्या हो सकता है हमारा, जैसे कि lumen of intestine, ठीक है, या फिर कोई और hollow organ हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है हमारा बॉडी कैविटीज हो सकती हैं, ठीक है. तो इनके अंदर जो भी हमारा पैरासाइट लिव करेंगे, दोज आर नोन एज द सीलोजोइक पैरासाइट. एंड इफ आई टॉक अबाउट द एग्जांपल, सो सीलोजोइक एग्जांपल में है हमारा टीनिया सोलियम. टीनिया सोलियम लिव इन द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, ठीक है, मैन की. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव द सिटेरिया डिजिटाटा. सो सिटेरिया डिजिटाटा किसके अंदर रहेगा? सिटेरिया डिजिटाटा लिव्स इन द पेरिटोनियल कैविटी ऑफ कैटल, क्योंकि कैटल इसका हमारा क्या है, यूजुअल होस्ट होता है. सो ये हमारा सिटेरिया डिजिटाटा हो गया. नेक्स्ट वी हैव द ज़ूनोटिक पैरासाइट. तो ज़ूनोटिक पैरासाइट इज अ पैरासाइट विच बेसिकली ट्रांसमिट फ्रॉम एनिमल टू मैन और वाइस वर्सा इन नेचुरल कंडीशन. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस ज़ूनोटिक पैरासाइट अर्लियर, ज़ूनोटिक पैरासाइट वही पैरासाइट है जो हमारे ह्यूमन टू मैन या फिर मैन टू ह्यूमन हमारा इनका ट्रांसमिशन होता है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरासाइट, बिकॉज ये हमारे एनिमल्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसी के साथ साथ ये हमारे मैन के लिए भी इंपॉर्टेंट है. और इसके अंदर हमारा एग्जांपल आ जाते हैं इकाइनोकोकस ट्राइचिनेला एंड टॉक्सोप्लाज्मा. सो दीज आर सम ज़ूनोटिक पैरासाइट. नेक्स्ट वी हैव द प्रोटोजोन पैरासाइट. प्रोटोजोन पैरासाइट आर दोज पैरासाइट विच आर यूनिसेलुलर. एंड टू टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर हेयर, दैट दे आर यूनिसेलुलर and they are eukaryotic, unicellular and eukaryotic, right? So those are protozoan parasite. And jo protozoan parasite hain, these are one of the important parasite in whole veterinary parasitology. And the example of these protozoan parasite is the thalaria babesia and coccidia. So these are protozoan parasite which are unicellular and eukaryotic. Next we have the metazoan parasite. Metazoan parasite are multicellular and these are also eukaryotic. So these are multicellular and eukaryotic parasite. And the example of these parasite are the helminths and arthropods. Next we have the hyperparasite. Hyperparasites are those parasite which live in another type of parasite. मतलब कि ये खुद, hyper का मतलब क्या होता है? ज़्यादा. तो मतलब ये खुद parasite हैं और ये दूसरे parasite के ऊपर रह रहे हैं. जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ बबेशिया खुद एक parasite है, but ये अपनी certain जो life period है वो किस में spend करता है? ये tick में हमारा spend करता है. अब tick क्या है? Tick खुद एक ectoparasite है, ठीक है, हमने पढ़ा था. तो टिक हमारा क्या है? टिक हमारा खुद एक एक्टो पैरासाइट है और बबेशिया भी हमारा एक पैरासाइट है. तो ये बबेशिया खुद एक पैरासाइट है और ये दूसरे पैरासाइट पर रह रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हाइपर पैरासाइट बोलते हैं. वी कॉल बबेशिया हाइपर पैरासाइट. ओके, नेक्स्ट वी हैव द पैरासिटॉइड. सो पैरासिटॉइड इज अ पैरासाइट विच बेसिकली लिव इन अनदर ऑर्गेनिज्म. ये एक पैरासाइट होता है जो कि कहाँ लिव करेगा? लिव इन अनदर ऑर्गेनिज्म, जो कि कोई नई बात नहीं है, ठीक है. बट ड्यूरिंग, जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज दी कि ड्यूरिंग इट्स लार्वल डेवलपमेंट बट इट विल फीड एंड डिस्ट्रॉय द होस्ट. So parasitoid are those parasites which live in another organism and during their larval development they feed and destroy the host, then parasite will be called as parasitoid. And इसके अगर मैं example की बात करता हूँ तो we have Hymenopterous flies. अब Hymenopterous flies they basically lay egg.
ये एग लेइंग करती हैं। एग कहाँ पर देती हैं? हमारे निम्फ, निम्फ ऑफ टिक पर। अब इन्होंने इस पर एग दे दिए, अब जो कि हमारे क्या मतलब इन्हें खा ले गए, कौन खा लेंगे? ईटन अप बाय द लार्वे ऑफ फ्लाई, जो इसका लार्वा होगा फ्लाई का। इसने यहाँ पर एग दिए, इससे हमारा लार्वा बनेगा। अब लार्वा क्या करेगा? लार्वा हमारा इस जो निम्फ है टिक के, उन्हें क्या कर लेगा? इंजेस्ट कर लेगा। सो बेसिकली हाइमेनोप्टेरस फ्लाई हमारी क्या हो गई? एक पैरासिटॉइड हो गई, क्योंकि इसने क्या करा, ये अपने होस्ट के ड्यूरिंग इट्स लार्वल डेवलपमेंट, जब एग से ये लार्वा बना, इसने क्या करा, निम्फ ऑफ टिक को क्या कर लिया? खा लिया, इंजेस्ट कर लिया, डिस्ट्रॉय कर दिया अपने होस्ट को। ठीक है, सो दोज पैरासाइट आर नोन एज द पैरासिटॉइड। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टाइप ऑफ होस्ट।